आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। आप लोकतंत्र के महा उत्सव का परिणाम देख रहे होंगे और उस परिणाम के तहत आप ये तो जान गए होंगे कि भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन पीएम बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा चेंजेस हमारे सामने आया है वो है हमारे देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। ध्यान रहे, लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब वहां का विपक्ष मजबूत होता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन यदि कोई सत्ता पूर्ण रूप से आगे की तरफ जाती है और उसके खिलाफ कोई विपक्ष नहीं होता है, या मेरे कहने का अर्थ है उसके सामने विपक्ष नहीं होता है, तो इससे तानाशाही पैदा होती है और तानाशाही किसी भी देश के नागरिक के लिए, सबके लिए हानिकारक ही होती है, उसमें लाभदायक जैसी कोई बात नहीं होती है। तो जो मजबूत विपक्ष है एक लोकतंत्र की निशानी है। खैर, सरकार किसकी बनेगी ये तो आपके सामने आ जाएगा जस्ट, लेकिन मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि कल 8 बजे मैं इस पर बात करूंगा और मेरी बात का जो आधार रहेगा वो रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपके एग्जाम में इस संबंध में, लोकसभा चुनाव के संबंध में जो क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आ सकते हैं उनकी शुरुआत मैं कल करने जा रहा हूं। तो कल की क्लास 8 बजे आप मिस ना करें। इंडियन इकोनॉमिक्स की भी क्लास होगी, साइंस की भी क्लास होगी, राजस्थान की भी क्लास होगी, लेकिन कम से कम 20 मिनट मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, लोकसभा चुनाव 2024 और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।